हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आपका एक ज्वलंत जो प्रकरण है, एक आपका सीरियस टॉपिक आप बोल सकते हो, एक आपका बर्निंग टॉपिक बोल सकते हो। आप ऐसे में तो आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बच्चे काफ़ी दिन से इसके बारे में बात कर रहे थे कि सर कुछ पता नहीं लग रहा है स्कॉलरशिप में एग्जैक्टली किया क्या जाए, रिजेक्ट हो गया था आफ्टर दैट, कुछ पता नहीं लग रहा है कि स्कॉलरशिप आएगी कि आएगी भी कि नहीं। खासकर मैं शुरुआत अभी कर रहा हूँ 2017 बैच से, ठीक है, अभी 2018 बैच की नहीं, 2017 वाले बैच की मैं बात करूंगा, उसके बाद 18 के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पर ये आप जो प्रपत्र है ये आप देख पा रहे हो, जो नोटिफिकेशन एक तरीके से ये जिला समाज कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद से है। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, इन्होंने समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये चीज़ जो है लिखी है। और जो विषय लिखा है इसमें है कि प्रदेश अध्यक्ष ऑल BTC DLED वेलफेयर एसोसिएशन 381 केशवनगर लखनऊ के संलग्न ज्ञापन, उन्होंने ज्ञापन जो संलग्न किया था 23/9/2019 में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण कराए जाने विषयक। आपको मैं बता दूं पूरी न्यूज़, आपको पूरा चीज़ पूरा मैटर सही से समझना है तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई चीज़ स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ऐसे में, ठीक है, फिर आप इधर उधर फिर से परेशान होंगे, भटकेंगे ऐसे में, तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कहने का मतलब ये है जो वेलफेयर एसोसिएशन वाले जो आपके हैं 2017 बैच की जब आप बात करते हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज़ है कि ज्ञापन सौंपा कि भाई हमारा जो स्टूडेंट हैं 17 बैच की सेकंड सेमेस्टर में, ऐसे में जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, रिजल्ट आया नहीं था सेकंड का और फॉर्म रिजेक्ट हो गया था स्कॉलरशिप का, उसके संदर्भ में ज्ञापन सौंपा था कि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की बात है उसको फिर से फॉर्म भरवाया जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनके बारे में, उसी के संदर्भ में ये निराकरण कराए जाने के विषय की आपका लेटर जारी हुआ है। लिखा है कि कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष ऑल BTC DLED वेलफेयर एसोसिएशन 381 केशवनगर लखनऊ की, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, संलग्न ज्ञापन दिनांक 23/9/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि दर्जनों छात्र छात्राओं के साथ अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को दिया गया है, मतलब उनके हस्ताक्षर बाकायदा करके तब दिया गया है। संलग्न ज्ञापन में छात्र छात्राओं ने अवगत कराया है, मतलब उन्होंने ये बताया है कि DLED जो सत्र था 2017-19 का, बैच के सभी प्रशिक्षु द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति या शुल्क से पूर्णतः वंचित रह गए हैं। आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर की स्कॉलरशिप बच्चों की आई थी, किसी की नहीं आई वो बात अलग है, लेकिन उस समय आई थी, सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय वर्ष में ये चीज़ें दिक्कतें देखने को मिली, वंचित रह गए थे, जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर प्रशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण पूरा करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्कॉलरशिप आई नहीं। लिखा है प्रकरण में सानुरोध संज्ञानित कराना उचित होगा कि DLED सत्र 2017-19 बैच के छात्र छात्राओं द्वारा गत वर्ष 18-19 में प्रथम सेमेस्टर अंकों के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर में नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होगा, 17-18 में स्कॉलरशिप आई, 18-19 में आपने नवीनीकरण किया फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, शासन द्वारा हुआ ये कि ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फल जो है वो PNP के द्वारा घोषित नहीं किया गया, ठीक है। अब ये लोग कहते थे कि जब तक आपका सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट नहीं आ जाएगा, मैं भी बोलता था आपके ऐसे उसमें, लेकिन भाई रिन्यूअल की डेट आई, कॉलेज वाले बोल रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे, तो रिन्यू करवाया गया। तो उसमें यही था कि जब तक सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप थर्ड सेमेस्टर में गए हो और फिर वहाँ पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट होना ज़रूरी था, रिजल्ट आया नहीं, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म रिन्यूअल कर दिया गया और ऐसे में छात्र छात्राओं का जो आवेदन पत्र है वो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिए गए थे। लिखा है अब छात्र छात्राएं जब नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, अब सभी के साथ में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में छात्र छात्राओं की समस्या का निराकरण अधो हस्ताक्षरीय स्तर पर व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है, कहते भाई प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ संभव नहीं है, ऐसे जब व्यावहारिक रूप से आप बिहेवियरली जब आप बात करते हो, तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि अतः प्रदेश अध्यक्ष ऑल BTC DLED वेलफेयर एसोसिएशन 381 केशवनगर का ज्ञापन इतने संलग्न कर आपकी सेवा में समस्या के निराकरण हेतु प्रेषित है। ये पत्र उनके द्वारा भेजा गया है यहाँ पर समाज कल्याण विभाग लखनऊ में। आपको मैं बता दूँ, पुरजोर दिए रहिए, आप ट्विटर वगैरह पर देख रहे होंगे कि जस्टिस वॉर स्कॉलरशिप, वो भी आपका ट्रेंडिंग में टॉपिक था ऐसे उसमें, ठीक है, कुछ समय के लिए ही सही, अगर ये चीज़ें आपकी ट्रेंडिंग में बनी रहीं, आप भी वहाँ पर अगर सहयोग बनाए रखेंगे, सारी चीज़ें अगर सही से रहीं, तो अभी आपका पूरा 17 बैच का कंप्लीट नहीं हुआ है, चौथा सेमेस्टर नहीं हुआ है, सारा कुछ है, कहीं सेमेस्टर अगर निकल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा स्कॉलरशिप का आना। तो ऐसे में पूरी तरीके से जोर दिए रहिए,
स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की कोई गलती नहीं, ऐसे में आप लोगों की कोई गलती नहीं जब आप बात करते हो प्रशिक्षुओं को लेकर के, ठीक है। जो गलती है वो शासन की है, वो PNP बोर्ड की है कि उसने रिजल्ट जो है वो ऑन टाइम नहीं दिया, स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहा था उससे पहले नहीं दिया। तो फिलहाल आप लोगों को मैं बता दूँ, परेशान होना बिल्कुल से छोड़ दीजिए, जो ओवरऑल अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप अभी स्कॉलरशिप भरेंगे नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है आपका वो तुरंत बताता है आपका 18-19 का रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, है इसलिए नहीं क्योंकि उस समय रिजेक्ट हो गया था फॉर्म, तो ऐसे में आप रिन्यू नहीं कर पा रहे होंगे। डेट अभी अक्टूबर तक में है फ्रेश फॉर्म भरने की, वो भी आप ऐसे में नहीं कर पाओगे। अगर आप करते भी हो तो स्कॉलरशिप आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी इन सब सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा अभी बगल में रखिएगा। कुछ अगर नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है इसके रिगार्डिंग, जैसा कि ये पत्र जो है अभी 23-24 सितंबर को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे को ही दिया गया है आपका, ठीक है, तो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो आप लोगों को उसे अवगत कराया जाएगा। आशा करते हैं कि अभी ये चीज़ें यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आई होंगी बातें। 2018 वालों की अगर बात है तो ऐसे में भाई जब आप 18-19 सेशन को लेकर के बात करते हो, तो जब भी स्कॉलरशिप का अभी समय चल रहा है आपका, ओके, तो अभी आपने अगर फ्रेश वाला फॉर्म भरा है तब तो ठीक है, ठीक है, तो वो चीज़ आप अभी फ़िलहाल भर सकते हो। इसके संदर्भ में आप अपने एक बार कॉलेज से कॉन्टेक्ट में रहिए, उनसे पूछिए कि फॉर्म फिल करने का क्या है क्या नहीं है, वो लोग आपको जो है सही राह देंगे, वो लोग आपको बताएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या होती है, कोई सवाल है, तो कमेंट पे लिखिएगा, वहाँ से हम मैं देखूँगा कि क्या कुछ किसकी समस्या है, उसके बाद फिर उस पर जो है विचार किया जाएगा, उस पर मैं जो है रिप्लाई करूँगा या फिर जो है एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। तो ये था जब आप बात करते हो 2017 और 2019 बैच के लिए खासकर समाचार। चलिए, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को उससे अवगत ज़रूर कराऊँगा। बाकी आप चौथे सेमेस्टर के जो PDF फाइल्स हैं और थर्ड सेमेस्टर के जो PDF फाइल्स हैं वो आपकी अवेलेबल हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऐप है, उस पर अवेलेबल हो गई है। आप लोग साइन अप करके, लॉगिन करके वहां से PDF फाइल्स को वॉच कर सकते हो, परचेज करके पढ़ सकते हो। सैम्पल पेपर्स फ्री में है, वो कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट UPTET के CTET के अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हो। वीडियो जो है कि डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ऐप में काफ़ी कुछ सुधार किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र बनाए रखिएगा। सुधार होते ही आप लोगों को उससे अवगत कराऊंगा, मैं उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।